Hello guys, welcome to Ahad Animates. So in this video, I will show you 5 tips that will make you pro in Blender. Without wasting any time, sit back and relax and let's begin the video. बस एक छोटा सा नोट बताऊंगा कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपके वर्कफ्लो को काफी इम्प्रूव और उसकी स्पीड काफी तेज कर देंगी। टिप नंबर 1, करेक्ट फेस एट्रीब्यूशन। अगर आपके पास कोई सरफेस है जिस पे कोई भी टेक्सचर अप्लाइड है, अगर आप उसको एडिट मोड में जाके उसकी एज मूव करें या एक्सट्रूड करें तो आपके पास ये एक इशू आता है। अगर मैं इसे मूव करूं तब भी एक इशू आएगा कि ये स्ट्रेच हो रहा है, और अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूं तब भी एक स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम आएगा। सो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये मसला आपको भी कोई 1000 या 2000 या मोर टाइम्स आया होगा। सो अगर मैं आपको बताऊं का इसका ओनली 1 क्लिक सोल्यूशन है। सिंपली आपने अपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एडिट मोड में जाना है। नाउ ये 1 क्लिक सोल्यूशन है। आपने ऑप्शंस पे जाना है और करेक्ट फेस एट्रीब्यूशन को चेक कर देना है। बस नाउ इफ यू विल मूव इट, यू कैन सी अभी भी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, और अगर आप इसे एक्सट्रूड भी करते हैं तब भी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही। सो इट्स अ लाइफ सेविंग थिंग फॉर मी एंड आई होप इट विल बी फॉर यू टू। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 2, स्नो सिस्टम इन ब्लेंडर। सो स्नो बनाना ब्लेंडर में काफ़ी हार्ड होता है समटाइम्स, और स्पेशली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्नो ला रहे हो, तो आपको मैं एक इजी वे बताऊंगा जिसमें आप स्नो इजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी सिमुलेशन और समथिंग। सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इन दिस केस मेरे पास एक सुजैन है। गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, एडॉन्स में जाइएगा और देन टाइप रियल स्नो और इसको चेक कर दीजिएगा। सेव प्रेफरेंसेस, नाउ एंड प्रेस करें, आपको यहाँ पर शो होगा रियल स्नो का ऑप्शन। इस पर आप जाएंगे तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास कवरेज है, कितना कवर हो, लेट्स से मैं 70% 74%, हाइट में करता हूँ 0.27, एंड देन आई एम गोना क्लिक ऑन एड स्नो, एंड एज यू कैन सी मेरी जो स्नो है वो एड हो चुकी है एंड इट्स अमेजिंग। ठीक है, अगर मैं इससे हैप्पी नहीं हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल जी करूँगा, कवरेज फुल, हाइट भी फुल, एंड देन एड स्नो, एंड एज यू कैन सी इट्स अमेजिंग, एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ईजी था ये। सो या आई होप दिस टिप हेल्प यू अलॉट। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो एंड आई विल शो यू द टिप नंबर 3, ब्लॉक आर्ट। आपने माइनक्राफ्ट या इस तरह की गेम्स में देखा होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक से बने होते हैं और एक मज़े का आर्ट बनता है। तो आप ब्लेंडर में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक आर्ट बना सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट इट, एड मॉडिफायर एंड रीमेश मॉडिफायर ऐड कर लीजिएगा, और आपने सिंपली ब्लॉक्स पे क्लिक करना है, और अब आप इस वैल्यू को बढ़ाएं। इन दिस केस आई एम गोना गो विद 7, एंड एज यू कैन सी हमारे पास जो हमारा जो बंदा था वो ब्लॉक आर्ट में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दूं तो आप अगर टोपोलॉजी देखें तो वो भी हमारे पास ब्लॉक टोपोलॉजी है, क्यूब्स में टोपोलॉजी है। सो टोपोलॉजी भी अच्छी है और आर्ट भी मज़े का है। सो आई होप दिस टिप हेल्प यू टू। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो एंड आई विल शो यू टिप नंबर 4। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस अ पर्सन, और अगर आप उसकी टोपोलॉजी देखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसकी टोपोलॉजी को सही करने के लिए, लेकिन जो हमारा जो शेप है वो मेंटेन करने के लिए, मैं फिर से रीमेश मॉडिफायर अप्लाई करूँगा। जिस टाइम मैं स्मूथ पे क्लिक करूँगा एंड इस वैल्यू को मैं बढ़ा दूँगा टू 8, एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट। एंड अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ, एज यू कैन सी जो हमारी टोपोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। अब यहाँ पर ट्राइज भी बहुत कम है, एनगॉन्स भी बहुत कम है, लेकिन कॉर्ड्स जो हैं वो मोस्टली कॉर्ड्स हैं और हमें यही चाहिए। सो या ये टोपोलॉजी के लिए बहुत ज़बरदस्त मॉडिफायर है। नाउ आई एम गोना शो यू टिप नंबर 5, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू। तो यहाँ पर अगर इस ट्री को मैं सेलेक्ट करूँ, एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वर्टिसेस कितनी ज़्यादा हैं, एजेस, फेसेस, ट्रायंगल्स कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और लेट्स से मैंने एक लैंडस्केप बनाना है, और अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा इन ट्रीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मेरी वर्टिसेस, एजेस वगैरह ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरा सीन है वो ज़्यादा हैवी होता जा रहा है, और एवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्रैश हो जाएगा। और अगर आपने पार्टिकल सिस्टम नहीं भी यूज़ करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 3-4 ट्रीज ही करने हैं तो मुझे पार्टिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टिल मेरी वर्टिसेस बढ़ रही हैं, तो उसके लिए बजाय आप शिफ्ट डी यूज़ करने के आप ऑल्ट डी यूज़ करें।
अब यहाँ पर इन नंबर्स पे आप फोकस कीजिएगा, मैंने ऑल्ट टी टू डुप्लीकेट मैंने किया, यहाँ पर नंबर रिमेंस द सेम, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी, द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस, इनका नंबर सेम है. क्यों? क्योंकि ये सेम जिस ऑब्जेक्ट को हमने डुप्लीकेट किया उसी ऑब्जेक्ट का डेटा बाकी मतलब डुप्लीकेशंस पे लेके जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ, इसको लेकर मूव करता हूँ, तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव होंगे क्योंकि इसका जो डाटा है वो ये सब के पास है, बजाय कि इसके पास अलग डाटा है, इसके पास अलग डाटा है, ठीक है, सारे इसका डाटा कॉपी कर रहे हैं. सो दैट्स वाई जो हमारा जो वर्टिसेस वगैरह है वो ज़्यादा नहीं हो रही. सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर सम सीन्स. सो या यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं. इसका पार्ट टू जो है वो ज़रूर आएगा, जिसमें मैं आपको और यूज़फुल टिप्स बताऊंगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा इससे. सो कमेंट कीजिएगा कि इन सब टिप्स में से आपका फेवरेट टिप कौन सा था, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी कॉमेंट में पूछेगा. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट वुड मेक माई डे हैप्पी एंड मेक माई डे वेरी वेरी नाइस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.